आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जी सर, मुझे आप क्या समझते हैं, मैं भारतीय हूँ या सरदार हूँ? मैं एक सवाल पूछता हूँ। एम एस भिट्टा साहब, जिनका इंतजार बहुत देर से किया जा रहा था, निम्स के मीडिया इंस्टीट्यूट जो है वो पहुंच चुके हैं। भिट्टा साहब, तस्वीरें आपको सीधा हम दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप देखिए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वेलकम वेलकम सर। तो भिट्टा साहब, हम सब के बीच यहाँ पर आ चुके हैं निम्स इंस्टीट्यूट, आइए सर, वेलकम। और हमारी एमडी दीक्षा मैम फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत करते हुए भिट्टा सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत क्या कहेंगे इस मौके पर? मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज युवाओं को, जो युवा आगे जाके कुछ राष्ट्र के लिए करना चाहते हैं जर्नलिज्म के ऊपर, उनको अपना अनुभव आज बताने का मुझे मौका मिलेगा कि आपको आगे जाके कैसे राष्ट्र की सेवा के लिए कितना कुछ सीखना है। भगत सिंह जी को याद करते हुए उन्होंने ये कहा था कि गोली से नहीं, लिखने को एक AK-47 बनाना चाहिए। तो उनको आज अपना अनुभव बताऊंगा क्या। देखिए, बात में भी बोली में भी गोली नजर आ रही है विट्ठल साहब के, और यही वजह है कि इन ये ऐसी शख्सियत है, इनके बारे में कोई और अगर परिचय हम देना चाहे तो शायद सही नहीं होगा। असली परिचय जो है विट्ठल साहब का वो यही है कि एक असली देशभक्त के रूप में, एक सच्चे देशभक्त के रूप में विट्ठल साहब की पहचान होती है। जो आज तक आप जैसे सब लोग आशीर्वाद देने आते हैं, सब लोग हमारे वहाँ पे बहुत नाम सुना था, आज दिन हुए आपके बहुत बहुत चलेगा। चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं, ये रजिस्ट्रार है हमारी यूनिवर्सिटी के सर, बड़ा जो हमारे एक ऐसे सच्चे देशभक्त से मिलने के लिए जो हमेशा जिनका जज्बा देश के लिए काम आता है, और आपके इसी जज्बे से बच्चों को बहुत हौसला मिलता है। ये है हमारे इस बैच के बच्चे सारे, ये जब भी कोई मेहमान आता है और खासतौर पर भिट्टा साहब को देख, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। देखिए, आपको देखते ही देशभक्ति का जोश जो है वो बच्चों के अंदर जाग गया। आप कहाँ से हैं? आसाम। आप कहाँ से बेटा? हैं? जयपुर। आप कहाँ से हैं? तो क्या सीखने आए यहाँ पे आप? क्या सीखने आए, क्या करने आए? जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन करने आए। हम ये सीखना चाहते हैं कि किस तरह से रिपोर्टिंग करी जाती है, किस तरह से हमें लोगों से कम्युनिकेट करना है। सर, हम जनता की आवाज को उठाना चाहते हैं, जो बातें सरकार देख नहीं पाती है, हम उस बातों को सरकार से अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे देश में क्या क्या दुर्व्यवस्थाएं हैं, हम उनको सामने लेकर आएंगे ताकि वो सबके समाधान हो सके। जो हमारे शाम को शो आते हैं हर चैनल में, 5-6, 6-7 हर चैनल में, जो हमारी तू तू मैं में बहस होती है, हिंदू है, मुसलमान है, ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? जब हम पॉलिटिशियन बैठ के डिस्कशन करते हैं, हम समाज के आदर्श हैं, तो रोज नया मुद्दा होता है। एक मुद्दे होते हैं जवानों के ऊपर, कश्मीर के ऊपर, वो तो जायज है, वो तो हर एक को करने का हक है, आतंकवाद है, राष्ट्रभक्ति। एक मुद्दे आते हैं कि हम रोज किसी न किसी इशू पे बोल देते हैं, जैसे आज हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा मीडिया में जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, शाम की बहस के ऊपर उन्होंने, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ते समय में पॉलिटिकल पार्टीज को ही कहीं ना कहीं ग्लोरीफाई करने के लिए हिंदू मुसलमान के जो चीजें हैं वो उठाई जाती हैं। मोस्टली ये चीजें हाइपोथेटिकल भी हो जाती है कि नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को बढ़ाने के लिए चीजें बोली जा रही है। चैनल है, बड़े चैनल है, पूरी दुनिया देखती है, ठीक है, पूरी दुनिया देखती, पर कई बार बैठने वाले होते हैं उनको कोई अनुभव ही नहीं होता, ठीक है ना। पत्रकार जो सवाल पूछने वाले होते हैं उनका तो एक अनुभव होता है,
कई लोगों का अनुभव होता है, बिठाए जाते हैं, कईयों का तो अनुभव नहीं होगा, लाके उनको बिठा देते हैं इतने बड़े चैनल में, उनको पता नहीं होता क्या बोलना है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में। सर, किसी भी जगह पर जाने से पहले हमें आसपास जो भी हमारे देश में चल रहा है उसके बारे में पूरी तरीके से ज्ञात होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और जैसे कि इन्होंने हिंदू मुसलमान वाला एक पॉइंट रखा, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा होता है ताकि एक तरह का वोट बैंक, इससे वोट जीते जा सके। इन चीजों से क्या सीखा आपने, जो रोज देखते हैं, अगर आप जर्नलिज्म करके जर्नलिस्ट बनते हैं तो आप इसके ऊपर क्या ध्यान देंगे? देश के अंदर अमन और चैन का माहौल बना रहे, जैसे कि हम देखते हैं डिबेट शोज आते हैं, उसका कहीं ना कहीं उद्देश्य होता है कि देश में लगातार सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, इसकी वजह से हमारे देश में दंगे भी हो रहे हैं। ठीक है, मेरे से सवाल तो नहीं पूछना चाहेंगे सर? बिल्कुल पूछना चाहेंगे, देशभक्ति का जो जज्बा है वो कैसे जगाए अपने अंदर जो सोए हुए हैं हमारे हिंदुस्तान। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे आप क्या समझते हैं, मैं भारतीय हूँ या सरदार हूँ? मैं एक सवाल पूछता हूँ, भारतीय हैं।